होम साइंस कॉलेज की छात्राओं के फेल होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एनएसयूआई के साथ कॉलेज की छात्राओं ने एक बार फिर प्रदर्शन किया और कॉलेज प्रबंधन पर छात्राओं को जबरन फेल करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई का आरोप है कि छात्राओं को फेल करने के बाद कॉपियां रीचेक करने के नाम पर उनसे पैसे वसूल किए जा रहे हैं, जबकि छात्राओं का दावा है कि उन्होंने पूरी मेहनत से सही आंसर लिखे हैं। इसके अलावा कॉलेज की छात्राओं को पानी और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं और प्रबंधन चुपचाप बैठा हुआ है। एनएसयूआई ने चेतावनी दी है कि यदि छात्राओं की समस्याओं को एक सप्ताह में दूर नहीं किया गया तो एनएसयूआई के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। ने प्रदर्शन किया था और मांग की थी कि 50% छात्रों को जो फेल कर दिया गया उनका पुनः मूल्यांकन दे, परंतु वहां का प्रबंधक ने उनको गुमराह किया और एक नोटिस लगाया कि पुनः मूल्यांकन का एक फीस लगेगी 200 रुपये, तो वो ऑलरेडी सभी कॉलेजों में सभी विश्वविद्यालयों में लगती है। आज हमको एक और शिकायत मिली कि 5-5 सब्जेक्टों में अतिथि शिक्षक नहीं है, कॉलेजों में पानी नहीं है, टॉयलेटों में दरवाजे नहीं है, जिसको लेकर आज एनयूजी ने प्रदर्शन किया और एक हफ्ते का समय दिया कि वहां पर अतिथि शिक्षक की नियुक्ति की जाए, 2 दिन अंदर जो छात्र फैले उनका पुनः मूल्यांकन किया जाए, अगर नहीं किया जाए तो एनयूसी अनिश्चितकालीन के लिए